अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है दावत का व्लॉग। तो हस्बैंड के ना कुछ फ्रेंड आने वाले हैं बैचलर घर पे, उनकी दावत है घर पर हमारे। तो हम आए हैं लुलु, यहाँ से ना चिकन मटन और बहुत सारी चीजें हमें कुछ लेना थी, तो वो लेने के लिए हम लोग लुलु आए हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने दावत अकेले सब कैसा मैनेज किया है, मैंने मेन्यू में क्या रखा था, ये सब चीजें ना मैं आप लोगों से फुल रेसिपी के साथ ना शेयर करूंगी। और यहाँ से ना हमें राइस लेना था, तो हम यहाँ देख रहे थे कि कौन सा राइस अच्छा है। पहले ना हम लोग ये खिमजी वाला राइस यूज़ करते थे, ये भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ से कुछ फ्रेश फ्रूट भी लेंगे हम। ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग डन हो चुकी थी, तो हम लोग अभी वापस घर जा रहे थे। तो हस्बैंड ना यहाँ पर बिलिंग करा रहे थे, और घर आने के बाद ना मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का मेरा जो पेस्ट था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं वो पीस रही थी। अब जैसे ही रमज़ान ख़त्म होने वाला है ना, तो एक एक चीज़ ना ख़त्म होते जा रही है। तो मैंने यहाँ पर ना 3 kg चिकन लिया है, तो मैं 3 kg चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया था 3 tbsp। 3 kg चिकन में ना मैं 3 tbsp अदरक लहसुन का पेस्ट भर भर के डालती हूँ, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही लिया था मैंने यहाँ पर 1/2 liter। इसे अच्छे से मिक्स करके ना हम बिरयानी की अखनी तैयार कर देंगे, तो इससे ना बहुत आसानी होती है हमें। एक दिन पहले ही मैं अखनी लगा देती हूँ बिरयानी को। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ना इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। कुछ मैं यहाँ पर ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है 2 tbsp भर के। धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 2 tbsp। होममेड गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूंगी 2 tbsp। घर का बना हुआ गरम मसाला डालने से ना बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। के बाद एक पैकेट में यहाँ पर रेडीमेड चिकन का बिरयानी मसाला ऐड करूंगी, और ये एक पैकेट भर के मैंने डाला है, तो मैंने लिया था नेशनल का बिरयानी मसाला। इसके बाद इसमें मैंने सबस धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, एक कटी हुई प्याज ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है। इन सबको हम डाल के ना अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसमें ना नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 4 से 5 नींबू का रस डाला है इसमें। नींबू का रस डालने से ना बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिरयानी की अखनी भी यहाँ पर रेडी हो गई है, तो मैं इसे ना अभी कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। जब भी घर में दावत हो तो थोड़ी प्रिपरेशन ना हम पहले ही स्टार्ट कर देना, तो आसानी होती है, एक साथ ना काम का बर्डन नहीं होता है। चिकन का खीमा मैंने यहाँ पर बना के रखा था समोसों के लिए। इसकी फुल रेसिपी मैंने अपने रमजान प्रिपरेशन व्लॉग में डाली है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा, उसकी लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद मैं दही बड़ों की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पर दाल भिगा रही थी, तो उड़द की दाल की जगह मैंने ना मूंग की दाल भिगा दिया था। अक्सर दावत वगैरह होती है ना, तो इस तरह की मिस्टेक हमसे ना हो जाती है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं सब चीज़ अकेले कैसा मैनेज करूंगी, क्योंकि सब मुझे अकेले ही बनाना था और हस्बैंड के फ्रेंड आने वाले थे, सब चीज़ परफेक्ट बननी चाहिए थी। उसके बाद ना 1/2 cup मैंने राइस भिगोया था। दही बड़ों में ना मैं राइस डालती हूँ, उससे ना दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं और एकदम फ्लफी बनते हैं। 1.5 cup मैंने डाल लिया था, तो 1/2 cup मैंने राइस डाला था। और अब मैं यहाँ पर ना चने भी भिगा रही हूँ, क्योंकि चना चाट बनाने वाली हूँ मैं। दावत के पहले अगर हम मेन्यू डिसाइड कर देते हैं ना, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। स्वीट में मैं बनाने वाली थी यहाँ पर आलमंड कस्टर्ड। आलमंड कस्टर्ड ना बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो 2 liter मैंने दूध लिया था, कंडेंस्ड मिल्क लिया था, कस्टर्ड पाउडर लिया था, और इसमें जाएगा आलमंड पेस्ट। की रेसिपी सेम कस्टर्ड जैसी है, जैसा हम कस्टर्ड बनाते हैं उसी टाइप हमें इसे बनाना है। बस इसमें ना आलमंड का पेस्ट पड़ेगा और कस्टर्ड जो है ना वो बहुत ही थिक बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में ना मैं कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। 2 liter आलमंड कस्टर्ड मैं बना रही हूँ। 12 tbsp ना कस्टर्ड पाउडर इसमें हम डालेंगे, पर मैंने ना इसमें 8 tbsp ही कस्टर्ड पाउडर डाला था, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा पतला बन गया था। अगर आप 1 liter दूध का कस्टर्ड बना रहे हो तो उसमें ना 6 tbsp भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड करिएगा। इस तरह ना आप बराबर मेजर करके करोगे ना, तो आपका कस्टर्ड ना बहुत सही से बनेगा, थिकनेस इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पर दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया था, देखिए अच्छे से मलाई भी आ गई है इसके ऊपर। अब मैं इसमें ना जो मैंने बादाम का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए इस तरह का ना बादाम का पेस्ट के क्यूब मैंने बना के रखे थे, अब मैं ये निकालूंगी और इसमें ना 5 से 6 cubes इसमें मैं डाल दूंगी। रमजान से पहले मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन ना करके रख दी थी, तो मुझे ना इस तरह दावत वगैरह में बहुत आसानी पड़ी है। चटनी वगैरह का भी इसी तरह मैंने ना प्रिपरेशन करके पहले ही रखा था, उसके क्यूब बना के मैंने रख दिए थे, बस 1 cube निकालो और चटनी बन जाती है। अगर इस तरह पहले से ही हम ना पूरी प्रिपरेशन करके रखें तो रमज़ान में बहुत आसानी होती है हमें, क्योंकि रमज़ान में ना टाइम की बहुत ही कमी होती है। आलमंड क्यूब भी अच्छे से डिसॉल्व हो गए थे अभी दूध में, और दूध अच्छे से बॉईल हो गया था।
दो कप भर के मैंने शक्कर लिया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप दो कप डालिएगा, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप ना सिर्फ डेढ़ कप डालिएगा या एक कप भी आप डाल सकते हैं। दूध को ना हम अच्छे से पकाएंगे क्योंकि शक्कर ना अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें ना कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर हाफ कैन भर के कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। उसके बाद कस्टर्ड हम इसमें ऐड करेंगे, तो हम इसे ना हल्के हाथों से चलाते जाएंगे वरना इसके ना अंदर लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसा ही हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे ना, बस स्पून को हमें हलाते ही रहना है। और कस्टर्ड थोड़ा मैंने कम डाला था, उसके बाद मैंने इसमें और ऐड किया था, तो इसकी जो थिकनेस है ना सही से नहीं बनी थी। आप ना मेज़र करके बराबर डालिएगा तो आपकी जो कस्टर्ड की थिकनेस है ना वो परफेक्ट बनेगी। मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट, तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो सब इसमें डालिएगा। तो मैंने किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट ये सब डाला है, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे ठंडा करके ना हम फ्रिज में रख देंगे और ठंडा ठंडा ना हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए कितना आसानी से हमारा आलमंड कस्टर्ड भी बन के रेडी हो गया है। और सेकेंड डे मैं यहाँ पर उठ गई थी और मैं सबसे पहले ना गुलगुलों की प्रिपरेशन कर रही थी। दो कप भर के मैंने चीनी लिया था, दो कप पानी डाला था और उसकी चाशनी बनाएंगे हम। और राइस भी देखिए यहाँ पर अच्छे से सोख हो गए थे। और जो दाल है ना, मूंग की दाल, मुझे सुबह पता चला कि मैंने गलती से मूंग की दाल भिगा दिया था। उसके बाद मैंने फिर तुरंत ही उड़द की दाल भिगाया था, पर अच्छे से मेरा उड़द की दाल भीग चुकी थी और दही बड़े ना टाइम पर बन गए थे। और यहाँ पर ना मैं अभी चनों को भी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि एक एक काम मैं पहले ही कर दूँ ना तो आसानी हो जाएगी मुझे। एक साइड में अंडे बॉईल करूँगी, अंडे के ना मैं भजिए बनाऊँगी। दावत के दिन ना मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है, तब ना जाकर सब सही से बनेगा और टाइम पे सब चीज़ हमारी रेडी होंगी। और यहाँ पर शक्कर की चाशनी भी देखिए ठंडी हो गई है हमारी। एक साइड में ना यहाँ पर बिरयानी का सालन बना के रख रही थी, क्योंकि अफ्तार के तुरंत बाद ही खाना है तो बिरयानी मुझे जल्दी ही बनाना थी। तो इस तरह सालन बना के अगर मैं रख दूँ ना तो बस मुझे चावल को पसाना है बिरयानी के और बिरयानी का ना दम लगाना होगा। उसके बाद ना अफ्तार के बाद ही खाना फिर सर्व कर देंगे हम। शक्कर की चाशनी अच्छी ठंडी हो गई है, तो मैं इसमें एक कप भर के ना डेजिकेटेड कोकोनट डालूंगी, खोपरे का बुरादा, और उसके बाद मैंने एक कप भर के आटा लिया है। इन सबको मैं अच्छे से डाल के मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ना फूड कलर ऐड करूंगी। फूड कलर ऐड करने से ना बहुत अच्छा इसका कलर आता है। और इन सबको ना अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करके मैं कुछ देर के लिए इसे रख दूंगी। के बाद बना रही हूँ मैं चना चाट। तो एक पॉट में मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे ना अच्छे से थोड़ा भून लूँगी। इमली की चटनी जो मैंने बना के रखी थी वो मैं इसमें थोड़ी ऐड करूँगी, और इससे ये डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये नीचे लगेगा भी नहीं। कुछ सूखे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 teaspoon डाला था मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon डाला था मैंने हल्दी पाउडर, 1 teaspoon डाला था धनिया पाउडर, 1 teaspoon डाला था जीरा पाउडर, 1 teaspoon डाला था चाट मसाला और 1 teaspoon मैंने इसमें ऐड किया था चना मसाला। इन सबको डालने के बाद ना अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कप भर के इसमें हम पानी डालेंगे और जो बॉईल किए हुए चने हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इन सबको डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह ना चना चाट बहुत आसानी से बन जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर गुलगुले फ्राई कर रही हूँ और आप देखिए एक के बाद एक मैं इस तरह डाल रही हूँ और बहुत ही क्रिस्पी ये गुलगुले बन के रेडी होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बने थे ये गुलगुले। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। और अब सब बैचेस ना मैं एक के बाद एक रेडी कर दूंगी। उड़द की दाल और राइस को मैंने अच्छे से पीस दिया था मिक्सर में, अब मैं ना इसे जो हैंड ग्राइंडर है इसकी मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी। इससे ना बहुत ही फ्लफी हमारे दही बड़े बनके रेडी होते हैं। और जब से मैंने ये हैंड ग्राइंडर लिया है ना तो मुझे इतनी आसानी पड़ गई है, बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि सही से बना है या नहीं, और देखिए पानी के ऊपर ना ये आ रहा है, इसका मतलब से ये जो हमारा पेस्ट है बनके सही से रेडी हुआ है। और अब जो मूंग की दाल थी मैं यहाँ पर मूंग के भजिए बना रही हूँ, तो इसे भी ना मैंने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर ना मैं दही बड़ों को भी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम ना काफ़ी कम बचा है अफ्तार में, तो मैं दही बड़े फ्राई कर दूँगी। एक एक करके ना सारी बैचेस यहाँ पर रेडी हो गई है।
और देखिए किस तरह से ये फूले हैं और अंदर से भी इतने सॉफ्ट बने थे। आप इसमें ना राइस डालिएगा, बहुत ही फ्लफी से और एकदम सॉफ्ट से हमारे ना दही बड़े बनते हैं। और हस्बैंड यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की तैयारी कर रहे थे, तो हस्बैंड यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बना रहे थे। इस तरह ना एक एक काम अगर हुआ हो ना तो बहुत आसानी पड़ जाती है। और टाइम मैं देखते जा रही थी कि अभी कितना टाइम हुआ है, और मुझे ना इतना टेंशन हो रहा था, मैं चाह रही थी कि वक्त से पहले ना मेरी सारी चीज़ें बराबर बन के रेडी हो जाए। बड़े पॉट में मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है, उसके अंदर ना अब मैं शक्कर डालूंगी। बड़ों के लिए ना मैं दही रेडी कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने शक्कर डाला था, उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला था, थोड़ा नमक डाला था, 1 टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर डाला था और 1 टेबल स्पून ना लाल मिर्च डाला था। इसके बाद ना मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और एक साइड ना मैं चॉपर में यहाँ पर प्याज भी चॉप कर रही थी भजे बनाने के लिए मूंग के। दही बड़ों को पानी में डाल के मैं अब एक के बाद एक ना डिश आउट करते जाऊंगी। इस तरह ना जो जो भी हो रहा था मैं सब ना डिश आउट करते जा रही थी, क्योंकि इससे आसानी पड़ जाती है, एक एक काम हो रहा था। दही डालने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी ऊपर से ना बहुत अच्छे लगते हैं। इमली की चटनी और ग्रीन चटनी मैं अलग से दूंगी। कुछ लोग ना इमली की चटनी डालते हैं, कुछ लोग हरी चटनी डालते हैं। इस तरह मिक्स कर दूंगी ना, तो कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं अलग से दूंगी। और चावल को भी मैंने पसा दिया था बिरयानी के, और रखनी भी यहाँ पर रेडी हो गई थी। अब मैं ना चनों को भी डिश आउट करूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालूंगी, धनिया डालूंगी, इमली की चटनी डालूंगी। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चने भी बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। आप भी इस तरह के चने बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। दावत के दिन ना बच्चे बड़ों को सबको साथ में एक साथ काम करना पड़ता है, तो मरियम भी यहाँ पर ग्रेप्स कट कर रही थी और हस्बैंड ना फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ फ्रूट कट करके मुझे दे रहे थे। लाइटिंग्स भी मैंने लगा ली थी और घर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। कि भजों की मैं यहाँ पर अभी प्रिपरेशन कर रही थी, तो कटी हुई प्याज और मैंने यहाँ पर ना ग्रीन पेस्ट ऐड किया था और थोड़ा सा बस धनिया ऐड किया था। बहुत आसान रेसिपी है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह के मूंग के भजे आप बनाओगे ना बिल्कुल बाहर जैसे बनेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, थोड़ा ज़ीरा ऐड करूँगी और मिक्स कर दूँगी और इसे ना अच्छे से फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे बन के मूंग के भजे रेडी होते हैं। फ्रूट कट होने के बाद इसमें शक्कर मैंने डाला था और हस्बैंड ना यहाँ पर मुझे क्रीम को ना व्हिप करके दे रहे थे, तो मैं क्रीम फ्रूट चाट बना रही थी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बस फ्रूट के अंदर थोड़ी शक्कर डालना है और क्रीम को ना व्हिप करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर ड्रीम व्हिप वाला क्रीम ले रही हूँ। इसमें ना बस हमें एक पैकेट खोलना है, 1 कप भर के दूध डालना है और अच्छे से व्हिप करना है। इतनी आसानी से घर पर ना क्रीम बन के रेडी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बिरयानी के चावल भी रेडी हो गए हैं। और एक साइड ना मैं यहाँ पर मूंग की भजियों को फ्राई कर रही थी अभी, और समोसे भी फ्राई कर रही थी क्योंकि टाइम ना बहुत ही कम था, सब लोग आने वाले थे। और अब मैं ना यहाँ पर बिरयानी की अखनी लगा दी थी, अभी बिरयानी को मैं दम दूंगी। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर फूड कलर डाल रही थी। और यहाँ पर हमारे एक फैमिली फ्रेंड आ गए थे, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे। ऑलमोस्ट सब बन के रेडी हो गया था, रूह अफ़ज़ा बन गया था, दही बड़े बन गए थे, चना चाट बन गया था, समोसे बन गए थे, मूंग के भजिए बन गए थे, दही बड़े बन गए थे, ऑलमोस्ट सब बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पर ना देखिए सब अफ्तारी निकाल दिए हैं, पानी लबान सब रखे हैं और बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। हस्बैंड के यहाँ पर फ्रेंड भी सब आ गए थे और सब अब अफ्तार करने वाले थे, क्योंकि अफ्तार में ना अभी कम टाइम बचा था। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की ना गेट टुगेदर होता है घर में। ये वो लोग हैं जिनकी फैमिली इंडिया में रहती है, जिनकी शादी नहीं हुई है, ये सब वो लोग थे। तो मैं चाह रही थी कि मैं इन्हें ना सब घर का बना हुआ ही सर्व करूँ, ताकि उन्हें ना घर की कमी महसूस ना हो। आज मेरे घर पर आए तो मैं सब अपने हाथों से बना के इन लोगों को खिलाऊँ, क्योंकि ना घर की कमी जब बाहर जो रहता है ना उसे बहुत महसूस होती है, घर का खाना याद आता है। तो अभी यहाँ पर ना सब अच्छे से इफ्तार कर रहे थे और सब तारीफ़ भी कर रहे थे कि सब चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। मेरी सब रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी।
और यहाँ पर ना हम लेडीज़ अफ्तार कर रहे थे, तो बस एक हमारी फैमिली फ्रेंड थे और बस मैं ही थी, हम दोनों मिलके ना यहाँ पर हमारी अफ्तारी कर रहे थे। नहीं बड़े, देखिए इतने सॉफ्ट बने थे कि स्पून डालने से ही टूट रहे थे। और यहाँ पर ना जमात से नमाज़ पढ़ाई जा रही थी, मरियम को जो पढ़ाने मौलाना आते हैं वो जमात से ना यहाँ पर एक साथ नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो सब साथ में एक साथ नमाज़ पढ़ रहे थे जमात से। बिरयानी का दम मैं यहाँ पर अभी फोड़ रही थी और देखिए इतनी अच्छी बनी थी बिरयानी। फर्स्ट टाइम मैंने ना 6 किलो की बिरयानी बनाई थी, इतनी बड़ी बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, पर बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी सही से बना पाऊँगी या नहीं, पर आराम से बन गई थी। और यहाँ पर देखिए हमारा आलमंड कस्टर्ड भी बन के रेडी है, ये थोड़ा सा ना ठीक नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसमें ना कस्टर्ड पाउडर कम डाल दिया था, आप ना इसमें बराबर डालिएगा तो ये बिल्कुल सही से बन के रेडी होगा, मगर इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही अच्छा था। और अब यहाँ पर सब लोग ना डिनर कर रहे थे। और डिनर होने के बाद मैंने सबके लिए बनाई थी चाय, क्योंकि अफ्तार के बाद ना चाय की अशद ज़रूरत होती है सबको ही, तो यहाँ सब चाय पी रहे थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।